ओप्पो रियल मी वन पे इतने सारे झूठ बोले गए हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। और हमारे जो सीनियर क्रिएटर हैं वो सभी तो उस झूठ को इस तरह से सच में तब्दील कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ दिन पहले यही सब क्रिएटर ओप्पो और वीवो को ना जाने कितने गालियां और बेकार की कंपनियां बताते, लेकिन अचानक से इस रियल मी वन के लॉन्च होते ही सभी ने बराई की झड़ियां लगा दी। पता नहीं मीडियाटेक वालों और ओप्पो वालों ने मिलकर कितना कितना पैसा इन लोगों को खिलाया है कि एक बेकार और कचरा फोन को भी इन लोगों ने इतना हाईलाइट किया कि आज मार्केट में बहुत से लोग लेकर के पछता रहे हैं। मैंने भी इस प्रोडक्ट को परचेज किया और बहुत सारे कमियां इस फोन में है। मैंने पहले भी इस फोन पे बहुत सारी वीडियो बना दी है, अगर आप उनको देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। फोन में बहुत सारी कमियां है, लेकिन एक जो सबसे हाईलाइटेड जो बहुत बड़ा कमी है वो इस फोन का मेमोरी मैनेजमेंट। इस फोन का मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही बेकार है। 3GB 32GB वाला वेरियंट जो मैंने मंगवाया था, 3GB रैम में से मात्र आपको फर्स्ट बुट में 1.1GB रैम मिलता है। ये क्या बात हुई यार, फर्स्ट बुट में कम से कम 1.19, ज्यादातर में 1.75 इस तरह से रैम मिलता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट बुट में ही आपको 1.12GB रैम अवेलेबल मिलता है। उसके बाद रही इंटरनल मेमोरी, 32GB मेमोरी दिया है। इसमें से जितने भी अभी फोन अनबॉक्स किया है हमने, चाहे रेडमी 5 हो, नोट 5 हो और माइक्रोमैक्स का फोन हो, सभी में 32GB में से 23 समथिंग 24 समथिंग जो है मेमोरी मिला, लेकिन इस फोन में मात्र आपको फर्स्ट बुट में 20GB का मेमोरी मिलता है। जी हाँ, 20GB का मात्र मेमोरी मिला। और इसके बारे में किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया कि मेमोरी मैनेजमेंट इस फोन का बहुत ही कवाड़ा है, बेकार है, थर्ड क्लास का है, और सभी ने बराई पे बराई लुटा दिया। और सारे प्रूफ आपके सामने है, आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। तो बस अगर आप ओप्पो रियल मी खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच लीजिएगा कि यह फोन कैसा होने वाला है। मैंने भी बहुत लोगों को सजेस्ट किया था, लेकिन इतनी सारी कमियां निकल रही कि अब मुझ में हिम्मत नहीं रही कि इस फोन को मैं सजेस्ट कर दूं औरों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप ले सकते हैं फोन को। वैसे फोन में बहुत सारी कमियां भी है और कुछ खूबियां भी है, तो आप उस अनुसार से फोन को अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों को ताकि उन्हें भी पता चले, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।